डायलॉग सुना हुआ काल की कायनात में आपका स्वागत है। तो बस इसी कायनात के साथ आज शुरुआत करते हैं। रेडियो ऑरेंज से मैं हूं अंकित विद आईआईटी आपके साथ। और मैं हूं रिजवान। मैं को भूल गया था क्या? नहीं नहीं भूला नहीं था, आ रहा था। सर अभी हम जो करने वाले हैं आपके साथ, बस आपको हमारे लिए वो कर देना है। अच्छा टिश्यू कार्ड है ना सर? हाँ प्लीज इसको यहाँ से यहाँ रख दीजिए। इसको यहाँ से यहाँ रख दूँ? गीला है लेकिन रख दूँ फिर? यहाँ रख दूँ? बस अब आप पूछेंगे कि ये क्यों कर रहे हैं? ये क्यों किया मैंने? क्योंकि हमारी मम्मियों का सपना था कि विवेक से काम लो, तो हमने तो विवेक से हमने काम ले लिया। अब शुरुआत करते हैं हमारे रेडियो ऑरेंज की। यंगेस्ट सीईओ है इनू मैम। तो मैम आप विवेक सर से सबसे पहले क्या पूछना चाहेंगे? विवेक सर से मैं ये पूछना चाहूंगी कि क्या आपने कभी रेडियो में आने का सोचा? शायद आप लोगों को ये पता नहीं, बट जब मैं कॉलेज में था, यानी कि आप लोग शायद स्कूल में थे, तब मैंने वन ऑफ माय अर्ली जॉब्स पॉकेट मनी के चक्कर में मैंने रेडियो में काम किया। जी तो मैं एक्चुअली आपके जितने जिंगल्स होते थे तो वो जिंगल्स के लिए एड्स करता था, वॉइसिंग करता था, फिर रेडियो के जितने प्लेज होते थे तो हमारे पास था आरटीवीसी करके एक सेंटर है मुंबई में, रेडियो टेलीविजन सेंटर, तो वहां पे रेडियो प्लेज जो होते थे हिंदी के, वो हिंदी के रेडियो प्लेज जाके मैं वॉइस करता था। और उसकी वजह से जो मुझे घर से पॉकेट मनी मिलती थी वो एक रेडियो प्ले करने के चक्कर में मुझे उससे तीन गुना मिल जाता था। जो महीने में पॉकेट मनी मिलती थी उससे तीन गुना मुझे एक दो तीन घंटे के काम के लिए मिल जाता था। तो मैंने तब भी विवेक से काम लिया। अच्छा। और रेडियो में अपनी आवाज काफी। तो नेक्स्ट टाइम अगर आरजे या जिंगल में वॉइस ओवर की जरूरत पड़ेगी तो आपसे हम बात कर सकते हैं। अच्छा मैं इस पर एक चीज और बताना चाहूंगा। देखो दोस्तों, जैसे आपने सुना तो अगला सुपरस्टार भी पैदा हो रहा है। थैंक यू रिजवान, थैंक यू। वैसे इंटरनेशनल बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड बैंकॉक में होने जा रहा है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि एक तो आप लोगों ने इतना बढ़िया काम किया, खुद मुझे लगता है कि इनू को एक अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने रेडियो ऑरेंज को एक छोटी सी रीजनल रेडियो चैनल से इतनी अल्प समय में, इतने कम समय में पैन इंडिया बना दिया है। आज की तारीख में 13 स्टेशन चल रहे हैं। आई थिंक दिस इज द फास्टेस्ट ग्रोथ, ऑर्गेनिक ग्रोथ एनी रेडियो कंपनी हैज हैड इन इंडिया। इट्स वेरी वेरी इंप्रेसिव। तो आई एम पर्सनली वेरी इंप्रेस्ड, एंड आई थिंक इट्स ड्रिवन बिकॉज इतनी पैशनेट है ना, म्यूजिक इनको पसंद है, रेडियो इतना प्रेम है इस मीडियम से, उसके बिना ये नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। इफ़ यू लुक एट इट जस्ट एज अ बिजनेस, पैशन के बिना वो नहीं हो सकता। तो आई थिंक दिस इज वन मोर स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, क्योंकि अब एक इंटरनेशनल एक्सपोजर है। आपके जितने अवॉर्डीज हैं आप उनको यहाँ लेके आए हैं बैंकॉक में, देव हैड अ वंडरफुल टाइम। तो आई थिंक इससे एक और स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा उनका रेडियो ऑरेंज की टीम साथ। सर अब थोड़ा ना फिल्मों की जरूरत है। हाँ जैसे कि OTT आ गया है और अभी जो कंटेंट है फिल्मों के अंदर वो बहुत बहुत ज्यादा ब्रॉड हो गया, तो अभी आप अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के अंदर क्या तलाश रहे हैं? मतलब क्या क्या एक ऐसा देना चाहते हैं ऑडियंस को, कुछ तो एक थॉट होगा अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स? आई थिंक कॉम्बिनेशन है ना दोनों। मुझे अब 20 साल हो गए इंडस्ट्री, मैंने ऑलमोस्ट हर किस्म का एक रंग प्ले कर लिया, चाहे कॉमेडी हो, रोमांस हो, एक्शन हो, विलन हो, सुपर विलन हो, यू नो ऑल काइंड्स ऑफ कैरेक्टर्स मैंने प्ले कर लिए। अब ये प्ले करने के बाद में हर जब आपके पास कोई चीज आती है, अब माता रानी की कृपा से ऐसा है कि जो इतनी सक्सेस मिली इन सैरज 1, 2 एंड 3 को, तो उसके बाद आई वॉज वेरी चूजी कि मुझे आराम से करना है काम, बिकॉज बाकी सब भी बिजनेसेस इतने अच्छे चलते हैं, एजुकेशन से लेके जो मेरे इंडिया में इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स हैं, इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो सब अच्छे चलते हैं। तो फाइनेंस के लिए, पैसे के लिए, दिहाड़ी के लिए काम नहीं करना पड़ता है, तो चूजी बन गया, कम काम किया, लेकिन उसका एक ये फायदा हो गया कि अब बहुत क्वालिटी काम है। और अभी मैंने एक शो शूट किया है जिसका नाम है धारावी बैंक, जिसमें अन्ना मेरे साथ हैं, सुनील शेट्टी जी इज प्लेइंग दी एंटागनिस्ट, तो नेगेटिव वो प्ले कर रहे हैं, मैं पॉजिटिव प्ले कर रहा हूँ, लेकिन जो टक्कर है, जो मुठभेड़ है, बहुत मजेदार कांटे की है, और एक अलग दुनिया है धारावी की, उसे भी इनकैप्सुलेट किया है, और मैंने भी एक अलग किस्म का रोल प्ले करने की कोशिश की है उसके अंदर, एक अल्कोहलिक सा, ऑब्सेसिव सा पुलिस वाला, जो अंदर से सबको लगता है कि टूट चुका है, बट एक्चुअली उसके अंदर जो ताकत है
वो किसी को समझ में नहीं, समझ में नहीं आ, हाथी के दांत हो गए एक तरीके से, तो जिस तरह से वो आइसबर्ग बन के उभर कर आता है पानी के नीचे, जो दो तिहाई है वो बाहर निकल के आता है, तो आपको लगता है बाप रे बहुत मजेदार। तो मैंने समित कक्कड़ ने इसे डायरेक्ट किया हुआ है, जिसने मराठी में हाफ टिकट की थी, आईना का बाइना की थी, तो अच्छा अच्छा काम करता है, ही डज गुड वर्क। एंड अभी उसके बाद आई स्टार्टेड शूटिंग विद वन एंड ओनली रोहित शेट्टी, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शो बन रहा है इस वक्त, मेगा एक्शन सीरीज है, जिसमें मैं एक सुपर कॉप प्ले कर रहा हूँ, उसकी रोहित शेट्टी की सुपर कॉप यूनिवर्स में एंट्री ले ली, मैं तो ऑलरेडी उड़ चुका था, सात दिन एक एक्शन सीक्वेंस में, अरे बाप रे इतना उठक पटक, इतनी उठक पटक की हमने, तो जैसे ये घंटी बजी वैसे हमारी बज गई। बट बहुत मजा है, बहुत पैशनेट आदमी है, और पुराने दोस्ती भी है हमारी, पहली बार हमने प्रोफेशनली काम किया, बहुत मजा है। इट्स कॉल्ड इंडियन पुलिस फोर्स एंड इट वाज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। वैसे सवाल तो बहुत है लेकिन from the journey of the company, then Sathia kind of movie, then Masti, and then अभी आपकी cricket वाली series देखी, उसमें आप hardcore villain के role में हैं, तो आपको क्या लगता है कि easy played क्या है आपके लिए, ज़्यादा fun क्या है आपके लिए? जो easy है वो fun नहीं, जो challenging है वो fun है, जिसमें आपको थोड़ा सा push मिलता है, provoke मिलता है कि भाई ये करके दिखाओ फिर माने। जैसे मुझे जब मोदी जी का किरदार प्ले करने का इतना बड़ा सौभाग्य मिला था, तब बहुत मुश्किल था, रोज सुबह 3 बजे ये मेरी टीम सामने बैठी है, ये लोग बैठे हैं, 3 बजे से मेकअप शुरू होता था, कुछ प्रोस्थेटिक्स लगते थे, प्रोस्थेटिक्स 7 घंटे में मुझे रोज एक ही कुर्सी में ऐसे ऐसे लेटना पड़ता था पीछे, बहुत धीरज से, तो 7 घंटे प्रिपरेशन में लगते थे, फिर उसके बाद उतर के शूट करना, और एक बहुत ही कम समय के अंदर इतनी बड़ी फिल्म बनाना, और इतने बड़े व्यक्ति को पर्दे पर उनकी कहानी लाने की कोशिश जो थी वो बहुत मज़ेदार, बहुत चैलेंजिंग, बहुत रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस थी मेरे लिए। तो इस तरह के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे हम इनसाइड एज की कैरेक्टर की बात करें, तो विक्रांत धवन का कैरेक्टर ऐसा है कि विलेन भी है लेकिन कहीं वो एक हीरो भी है, आप उसे हेट भी करते हो लेकिन उसे लाइक विराट, हाँ तो उसको आप विराट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, आप देखेंगे उसके हेटर्स भी उतने ही है और प्यार करने वाले भी। मैं कह रहा हूँ कि सेम पीपल कैन हेट विक्रांत धवन बट एट द सेम टाइम फाइंड हिम इंटरेस्टिंग, एंगेजिंग, एंटरटेनिंग, एंड एक्चुअली से यार वो कहाँ है यार, उसको ले आओ, वो वाली, वो वाली फीलिंग जो है वो फीलिंग बहुत मुश्किल है एज एन एक्टर। आप रिजल्ट देख रहे हो एंड, पर उसको वहां तक पहुंचाने के लिए एक एक जो बारीक डिसीजन लेना पड़ता है सीन के दौरान, ये नहीं ये, ये नहीं ये, वो चॉइसेस टू बिल्ड इट बैकवर्ड्स, वो टफ है, तो वो उस चैलेंज में मजा भी आता है। हमें पता था कि फर्स्ट सीजन में कंप्लीट डार्क जाना है, फिर बाय द टाइम थर्ड सीजन है आप उसके लिए इमोशनल फील कर रहे हो, तो वो जो रिवर्स वर्किंग है वो मुश्किल है। ये सब ओटीटी में हो रहा है आजकल कि एकदम आप जिसको हेट कर रहे हो उसी को सबसे ज्यादा प्यार कर रहे हो। लास्टली हमारे जितने भी सुनने वाले हैं, लिसनर्स हैं, उनको आप क्या मैसेज देंगे अपने तरफ से? बस यही दूंगा कि म्यूजिक इज द फूड ऑफ लाइफ, तो सुनते रहिए रेडियो ऑरेंज, और साथ में ऑरेंज खाइए भी, विटामिन सी भरा अच्छा है, तो जैसे ऑरेंजेस आर गुड फॉर योर हेल्थ, आई थिंक रेडियो ऑरेंज इज गुड फॉर योर मेंटल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। एंजॉय।